आप सभी यह तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड में राधे श्याम और सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी भारी भरकम बजट वाली फिल्में भी फ्लॉप होती आई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन फिल्मों के फ्लॉप होने पर सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है। तो बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर किसी फिल्म के प्री प्रोडक्शन से लेकर फिल्म के लास्ट एडिटिंग तक फिल्म पर अपना ध्यान रखता है और उसी के हाथों में फिल्म की सारी बागडोर होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही हायर करता है। तो अब बात आ गई है प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर किसी फिल्म के प्रोडक्शन का सारा देखरेख रखता है। सीधे शब्दों में बात करें तो किसी फिल्म को बनाने में जितना ज्यादा खर्चा होता है उसके लिए पैसे प्रोड्यूसर ही देता है और फिल्म के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा भी फिल्म के लिए राइटर और की मेंबर भी चूज करता है। अब लास्ट में बात करें डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर अब लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर किसी फिल्म को प्रोड्यूसर से खरीद कर उसे थिएटर तक पहुंचाता है, जिसके कारण अगर कोई फिल्म अच्छी खासी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो फ्लॉप कहा जाना भी इन दोनों को ही भुगतना पड़ता है।